भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजबली चक में गणेश आतिशबाज के घर चोरी छिपे प्रथम तल पर सभी बारात में बिक्री के लिए बड़े पैमाने पर बम बनाए जा रहे थे। देर रात लहसुनिया बम, क्रैकर, सात आवाज, सैकड़ा, हजरिया, अनार के अलावे सुतली और डब्बा बम भी तैयार किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रथम तल के जिस कमरे में बम और पटाखे बनाए जा रहे थे, वहां दो अलग अलग बोरी बारूद रखी हुई थी। बम को घातक बनाने के लिए मनसर और पोटास का बड़ा प्लास्टिक का डब्बा भी रखा हुआ था। जानकार बता रहे हैं कि बारूद में मनसर और पोटास को मिलाने में हुई चूक से घातक विस्फोट हुआ और दो मंजिला मकान जमीन दोज हो गया। यहां आपको बता दें कि मनसर का इस्तेमाल गंधक के रूप में विस्फोट को अधिक विध्वंसकारी बनाने के लिए आतिशबाज करते हैं। संवेदनशील भागलपुर में काली पूजा, शबे बारात, दीपावली में लोग पटाखे के साथ साथ सुतली और डब्बा बम भी खरीद कर जमा करते हैं। जयराम पेशावरों को भी बम बारूद की आपूर्ति चोरी छिपे आतिशबाज ही करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतिशबाज के घर बड़े पैमाने पर बम तैयार किया जा रहा था। दो मंजिला घर से 6 गैस सिलेंडर बरामद किया गया है, लेकिन सारे के सारे सिलेंडर भरी हालात में सुरक्षित मिले हैं। फॉरेंसिक जांच टीम में शामिल पदाधिकारियों का कहना है कि तीव्र विस्फोटक मनसर पोटास और बारूद की मिश्रण में चूक की वजह से विस्फोट की अधिक संभावना है। घटनास्थल से मलबा हटाने का काम तेजी से पुलिस और नगर निगम की टीम कर रही है। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कुछ पटाखे के पैकेट, जिसमें सैकड़ों हजरिया के अलावे लहसुनिया बम के अवशेष मिले हैं, जो लक्ष्मी गणेश की छोटी छोटी मूर्तियों से भरे कार्टन में दबे हुए मिले। टीम ने घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा किया है। जांच रिपोर्ट में इस बात का पता चल सकेगा कि धमाके में कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। डीआईजी सुजीत कुमार ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के अलावा विस्फोटक की आमद और उसके भंडारण बिंदु पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें, चंद माह पूर्व सिल्क सिटी के नाथनगर और हबीबपुर में टिफिन बम, बोतल बम और सुतली बम विस्फोट की जांच में पुलिस के हाथ विस्फोटक पदार्थ की तस्करी को लेकर कुछ सुराग मिले हैं। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आ रही है कि झारखंड के गोमिया, धनबाद और बाघमारा में सक्रिय दागी आंध्र प्रदेश से बारूद मंगा, उसकी आपूर्ति झारखंड, उड़ीसा के अलावे भागलपुर और आसपास के इलाकों के दागियों, जिनमें गैर लाइसेंसी आतिशबाज भी शामिल हैं, उन्हें करते रहे हैं। विस्फोटक पदार्थ आंध्र प्रदेश के चांदखोल और तेलंगाना में काफी अधिक रियायती दर पर उपलब्ध है। बम धमाकों की लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद खुफिया अधिकारियों ने भी जांच तेज करते हुए इस बात की जानकारी जुटाई है कि झारखंड में डेटोनेटर आपूर्ति कराने में लगे कुछ दागियों की मदद से भारी मात्रा में बारूद झारखंड मंगाया जाता है। इस बात की संभावना खुफिया अधिकारियों ने भी व्यक्त की है कि रेशम नगरी में सक्रिय दागी झारखंड के इन्हीं दागियों से बारूद खरीदकर भागलपुर और आसपास लाकर बेच रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चांदखोल और तेलंगाना के कई इलाके में बारूद बिना किसी दस्तावेज के भी चोरी छिपे बेचे जाते हैं। आंध्र प्रदेश से आने वाले मछली ट्रकों में बारूद के कार्टन छिपाकर भेजे जाने की बात हाल में झारखंड में पकड़े गए तस्कर ने पुलिस के समक्ष कबूल किया था, जिसमें डमरू पांडे उर्फ बाबा और सनोवर खान के नाम भी जांच के क्रम में आपूर्ति लेने वालों के सामने आए थे। भागलपुर पुलिस 9, 11 और 13 दिसंबर 2021 को नाथनगर में हुए बम धमाके और 3 लोगों के मरने के बाद जांच में तेजी लाते हुए दागी आतिशबाजों की भी निगरानी शुरू कराई थी। आपको बता दें, ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवाली चक स्थित जिस स्थान पर गुरुवार की रात भीषण धमाका हुआ, उसी जगह पर लगभग 20 साल पहले 30 अक्टूबर 2002 की रात 11:30 बजे ऐसा ही जोरदार धमाका हुआ था और पक्के मकान की ढलाई के परकच्छे उड़ गए थे। सुभाष मंडल उस मकान में आतिशबाजी का काम करता था, लेकिन उसकी आड़ में घातक बम बनाने के दौरान ही ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ था कि सुभाष की पत्नी शीला देवी उर्फ बेचनी, भाई सुरेश मंडल, स्टाफ रवि राय और घोलू मंडल की चपेट में आने से उनके चिथड़े उड़ गए थे। घायल 4 लोग अपंग हो गए। सुभाष और उसका लड़का विजय अभी भी जिंदा है। इस घटना में दोनों तब विक्रमशिला कॉलोनी वाले घर पर थे, इसलिए बच गए थे। वहीं दोनों आज भी घटना को याद कर सिहर जाते हैं। इस घटना के बाद आतिशबाज के धंधे से जुड़े लोगों ने पुलिस के भय से इलाका छोड़ दिया था। तत्कालीन जिलाधिकारी, SSP और SDO ने सख्ती दिखाते हुए आतिशबाज का लाइसेंस निर्गत करना भी स्थगित कर दिया था। वहीं भागलपुर में हुए विस्फोट के बाद जिलाधिकारी, SSP लगातार जांच कर रहे हैं। लापरवाही बरतने के मामले में
थानाध्यक्ष संजय सुधांशु को भी सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम ने कहा कि अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, अब भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं थानाध्यक्ष पर कार्रवाई मामले में एसएसपी बाबूराम ने कहा कि स्थानीय लोग लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे। इस प्रकार पटाखे का निर्माण बीच शहर में होना, इसमें थानाध्यक्ष की लापरवाही देखने को मिली है, इसलिए उसे सस्पेंड किया गया है।